सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम मतलब डिफ्यूजन के बारे में समझ चुके हैं, तो अब हमें एक और चीज़ के बारे में समझते हैं, हालांकि वो भी डिफ्यूजन से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा फैसिलेटेड डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के मतलब डिफ्यूजन वर्ड आ रहा है, मतलब डिफ्यूजन तो हो ही रहा होगा, फैसिलेटेड का मतलब क्या है? चलिए इसके बारे में समझते हैं, ये पूरी प्रोसेस है वो होती क्या है। देखिए, द मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। देखिए मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज होते हैं किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू और किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के द्वारा। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एक पार्क है, एक पार्क में क्या है, चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको उसके अंदर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर एक ऐसा पार्क है जिसमें बाउंड्री नहीं है या है भी तो इतनी छोटी है जिनको आप अपने आराम मतलब आसानी से क्रॉस कर सकते हो, तो उसमें आपको किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप देख लीजिए जाके, ठीक है। तो वो आपको मेरे चैनल पर मतलब जाके मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, जितनी जितनी जरूरत पड़ रही उतना उतना थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बाकी आप वहाँ पे सेपरेटली जाके देख सकते हैं। देखिए, तो क्या होता है कि जब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। यानी कि इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में होती है, हमारी सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के इन्वायरमेंट को अलग और बाहर के इन्वायरमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये काम करती है कि अंदर के इन्वायरमेंट को क्या करती है और बाहर के इन्वायरमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है। तो अंदर मतलब कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, अंदर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने नहीं दे रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, यानी कि जैसे एक पार्क है, आप वहाँ जाना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो क्योंकि गेट बंद है, तो क्योंकि दीवारें बहुत लंबी है, तो क्या होता है गेट का सहारा लेते हो। तो उसी तरह क्या होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन काम करती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कुछ नहीं होती है, बस ये करती है गेट का सहारा करती है। अब एक बात बताइए कि गेट में आपको जाने के लिए एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी ना, लिफ्ट होती तो एनर्जी भाई, लिफ्ट होती तो मतलब वो लाइट से चल रही होती। गेट में क्या है, गेट किसी ने एक बार खोल दिया उसके बाद आप आइए जाइए, तो ये क्या होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है पैसिव क्या होता है तो आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसमें मतलब एटीपी का यूज इसमें भी नहीं होगा, मतलब फैसिलेटेड डिफ्यूजन में एटीपी का यूज नहीं होगा। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू क्या होता है कि मतलब वो निकलता है, समझ में आया। डिफ्यूजन सेम वही रहेगा कि मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रो, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूज होंगे किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की हेल्प से। अब मैंने एक चीज और लिखी, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, देखिए हाइड्रोफिलिक मैंने बता दिया, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है। और फिलिक, अगर आपको मतलब देखिए टर्म बहुत जरूरी है, फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, लविंग मतलब वाटर लविंग। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के सामने हाइड्रोफिलिक लग जाता है, मतलब वो क्या होता है, वो सब्सटेंस वाटर लविंग होता है, मतलब वाटर से तुरंत जाके मिल जाएगा, ठीक है। अब वाटर लविंग है तो उसको दूर थोड़े ही जाने देगा। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, देखिए हाइड्रो का मतलब वो तो हो गया वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया। फोबिया आपने काफी बार सुना होगा, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। फोबिया मतलब क्या होता है, डर, यानी कि वाटर फियरिंग, यानी कि कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर फियरिंग होते हैं, मतलब जिनको वाटर से डर लगता है, जब जिनको डर लगता है वो उसके पास जाना चाहेगा नहीं, दूर भाग जाएगा, समझ में आया। तो अब आगे देखिए, डिफ्यूजन इन विच सब्सटेंस इज हाइड्रोफिलिक डिफ्यूज्ड डिफिकल्ट थ्रू मेम्ब्रेन। देखिए डिफ्यूजन इन विच सब्सटेंस, यानी कि उन सब्सटेंस का डिफ्यूजन जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग सब्सटेंस है, वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे डिफिकल्टी, मतलब उनको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी किसमें, थ्रू मेम्ब्रेन। अगर आपको पता हो कि मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होती है। आपके इसके देखिए, इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया, उसको
उसको आप जाके मेरे चैनल का नाम डालिएगा साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे डाल के जाके भी देख सकते हैं। तो वहां पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जब हमें पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों होती है, तो हाइड्रोफोबिक से तो चलो निकल जाएगा क्योंकि हाइड्रोफोबिक क्या कहेगा, दूर भगाएगा उसको, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, वाटर फियरिंग होता है, ठीक है। जब ये वाटर फियरिंग मतलब वाटर लविंग है तो क्या करेगा, वाटर इसको क्या करेगा, दूर नहीं जाने देगा, मतलब देखिए वाटर लविंग है ना तो जिसको प्यार करता है उसको दूर थोड़ा नहीं जाने देते, तो ये क्या करता है उसको दूर नहीं जाने पड़ेगा, मतलब उसको डिफ्यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब डिफ्यूज करने के लिए हमें डिफिकल्टी होगी, क्या डिफ्यूज करने के लिए यही लिखा हुआ, डिफ्यूज करने के लिए आपको डिफिकल्टी होगी थ्रू मेम्ब्रेन देयर फॉर टू सपोर्ट। अब क्या करना है, डिफिकल्ट उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है ना उसके बीच में थोड़ा थोड़ा चैनल दे देते, फोटो आपके सामने बन के आ रही होगी, ठीक है। तो उसके बीच में चैनल दे देते हैं प्रोटीन का, ठीक है। उस प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से निकल के जा सकते हैं। आपके सामने फोटो आ रही होगी तो आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एंड सिंपलीफाई इट्स मूवमेंट, अब देखिए ये सपोर्ट करते हैं जब वो प्रोटीन लग गए, जो प्रोटीन है जो उनको आसानी से सब्सटेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आसानी से क्या हुआ ट्रांसफर कर गया, तो क्या कर रहा है सपोर्ट भी तो कर रहा है, ट्रांसफर करने में सपोर्ट कर रहा है और सिंपलीफाई कर रहा है किसको, मूवमेंट को, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर ट्रांसफर। वो क्या करते हैं, देखिए अब जैसे पार्क है, पार्क में आपको जाना है आप नहीं जा पा रहे हो, तो गेट क्या कर रहा है आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है स्पेस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, ट्रांसफर किसके लिए, किसका ट्रांसफर करने के लिए, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलेटेड डिफ्यूजन, इसी प्रोसेस को फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कि मतलब फैसिलेटेड डिफ्यूजन अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है, तो आपको सिंपली कहना है कि वो अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कोई जो सब्सटेंस वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादातर काम क्या होता है, कुछ स्पेशल सब्सटेंस करते हैं जिनको बना के रखा गया, तुम ही यही काम करोगे, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, हाँ। तो इस जब वो मतलब ये प्रोसेस होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। इतना ही है, चलिए आगे टॉपिक को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो चलिए अब इसका क्या एक एग्जांपल लेके मतलब एक फिगर लेके भी समझा देता हूँ। हालांकि मैं फिगर भी ले चुका था, बट मुझे लगा कि एक बार और एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से आपके सामने मैं रख दूँ ताकि आपको बेटरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये है, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फिगर ए, ए फिगर ए के लिए ये क्या है इनर साइड ऑफ द सेल है, मतलब सेल का अगर एक आप सेल मान रहे हैं तो ये क्या है उसकी अंदर की सतह है, अंदर की मतलब अंदर की साइड है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये क्या है आउटर साइड है, ठीक है। आउटर साइड में क्या है कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, ये जो रेड कलर की बनी हुई है स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, जो जिसे हम लोगों ने ट्रांसफर प्रोटीन कहा, जिसे हम लोगों ने ट्रांसफर प्रोटीन कहा। ये क्या करती है, ये एक गेट का काम कर रही जो इनको अंदर जाने में हेल्प करती है। अब फिगर बी देखिए, फिगर बी में यही क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी यही ट्रांसफर प्रोटीन है। अब देखिए इसी की हेल्प से क्या है ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर जा पा रहे हैं। आई होप आपको बेटरली समझ में आ गया हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, यही होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है स्पेशल टाइप के ट्रांसफर प्रोटीन क्या करते हैं हेल्प करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन मतलब इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी प्रोटीन बोल दिया मैंने, इस टाइप के डिफ्यूजन में स्पेसिफिक प्रोटीन, देखिए स्पेसिफिक प्रोटीन है कि नहीं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करते हैं हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसफर में क्या करते हैं हेल्प करते हैं अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड नो एटीपी कंज्यूम, देखिए इसमें क्या होता है कोई भी एटीपी, कोई भी एटीपी का मतलब क्या है, मतलब ये है एटीपी क्या होती है, एटीपी प्लांट के लिए क्या होती है, एटीपी प्लांट के लिए एनर्जी होती है, होती कि नहीं होती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए गाड़ी में एनर्जी काम कौन कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, तो एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी का काम कर रही है किसके लिए, प्लांट के लिए, एटीपी प्लांट के लिए एनर्जी का काम कर रही है। मैंने कहा क्या कहा यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी का यूज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको, तो इस वजह से इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अगर आपको समझना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो देखिए आपको
वीडियो पुरानी वाली देखनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ समझना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तो आप इतना समझ के जा सकते हैं, वीडियो को लीप कर सकते हैं। चलिए ट्रांसपोर्टेड जो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था उसके बारे में और पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उनको आपको बता रहा हूँ। देखिए ट्रांसपोर्ट रेट्स जो कि ट्रांसपोर्ट रेट होती है ना, कि मतलब आप देखिए कि हमेशा तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं प्लांट में, कि हमेशा ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे सुबह के टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि स्टोमेटा खुल जाते हैं, तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो मतलब उस समय में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज होती है। तो इस उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का यानी कि प्लांट की या हमारी बॉडी का तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो अंदर ही रहते हैं, हम लोग तो सुबह बाहर जाते नहीं है, लेकिन प्लांट की बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि सुबह के टाइम में कुछ जो मैकेनिज्म होता है वो अलग तरीके से वर्क करता है, और रात के टाइम में क्या होता है मैकेनिज्म अलग तरीके से वर्क करता है, क्योंकि रात के टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो उतनी ज्यादा फास्टली नहीं हो रही होती है, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा तेज नहीं हो रही होती है, क्योंकि रात के टाइम में सूरज तो होता नहीं है। तो ये बताइए वाटर का इवेपोरेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाटर भाप नहीं बन पाएगा। जब वाटर भाप नहीं बनेगा तो उसमें जो प्रेशर लग रहा है वो थोड़ा कम लगेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी को लेकर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट रेट, जो ट्रांसपोर्ट की रेट होती है, ठीक है, रेट मतलब जानते हैं ना दर, ठीक है, रीच अ मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा कब हो जाती है, व्हेन ऑल द प्रोटीन, जब सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं उनको हम प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स करते हैं, ठीक है, आर बीइंग यूज्ड, जब सारे जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं वो सारे क्या होते हैं यूज्ड में होते हैं, मतलब सारे ओपन होते हैं, सारे प्रोटीन सारे क्या कर रहे हैं सबस्टेंस का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस समय पर क्या होती है कि ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसा नहीं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देंगे या सारे मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो क्या कहते हैं जिनको ये क्या कहते हैं अंदर आने देते हैं या बाहर जाने देते हैं, ठीक है। इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सबस्टेंस फॉर अपटेक, ओके। अब देखिए तीसरा देखते हैं, अब प्रोटीन चैनल इन द मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन चैनल होते हैं वो क्या बनाते हैं, द प्रोटीन चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू सम चैनल आर ऑलवेज ओपन अदर कैन बी कंट्रोल, यानी कि जो प्रोटीन जो चैनल होते हैं, मतलब देखिए जब मेम्ब्रेन में पता है एक प्रोटीन चैनल की तरह बना लेते हैं, चैनल देखा है ना आपने कैसा होता है, ठीक है, तो ये चैनल की तरह बन जाते हैं। तो क्या कह रहा है फॉर मॉलिक्यूल्स, क्या कह रहा है द प्रोटीन चैनल इन द मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन के चैनल होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए होते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं, टू पास थ्रू सम चैनल आर ऑलवेज, तो कुछ जो चैनल होते हैं वो हमेशा ही खुले रहते हैं, ठीक है, और कुछ चैनल क्या होते हैं कंट्रोल होते हैं, मतलब कि किस टाइम पे रेट ज़्यादा होनी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट की रेट सबसे ज़्यादा कब हो जाती है, तो आप बताओगे यही बताओगे कि जब जो सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है, तब ट्रांसपोर्ट की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की रेट कब होगी, जब भाई जब आप खुद ही सोचो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं यानी कि जो बीच का दरवाज़ा होता है जब खुला होगा तभी तो लोग अंदर आ पाएंगे, तभी तो लोग बाहर जा पाएंगे। अब यहाँ पे सेल के अंदर लोग मॉलिक्यूल्स यानी कि जब हम पार्क को खोलते हैं तो लोग क्या होते हैं पार्क का दरवाज़ा खुलता है तो लोग ज़्यादा अंदर आते हैं, लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं। अब देखिए जब हमारे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जब ये ओपन होंगे तब क्या होंगे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लोग कौन है सेल के अंदर लोग कौन है मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या होंगे ज्यादा मात्रा में अंदर आएंगे, ज्यादा मात्रा में जो बाहर जाएंगे, और अंदर बाहर जाना क्या कहलाता है ट्रांसपोर्ट कहला रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कब होगा, अगर पूछा जाए ट्रांसपोर्ट रेट सबसे ज्यादा हाई कब होगी, जब ये चैनल जो होते हैं यानी कि प्रोटीन के जो चैनल होते हैं वो ओपन होते हैं, तभी क्या होता है सारे चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं, तभी क्या होती है जो ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो जैसा कि हम सारी चीज़ें समझते हुए आ रहे थे तो अब हम समझते हैं कि पैसिव का मतलब आप समझ गए, मतलब नो एटीपी यूज़, पैसिव का मतलब अगर आपको समझना है तो इतना समझ लीजिए नो एटीपी यूज़, नो एटीपी यूज़। अब आप बताइए यहाँ पे एटीपी क्या है, एटीपी है यहाँ पे एनर्जी, यानी कि एनर्जी का क्या है यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है
यूज जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। पैसिव का मतलब यही है। तो सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट और एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, यूनिपोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ यूनिपोर्ट के बारे में, किसके बारे में, यूनिपोर्ट के बारे में। तो क्या होता है सिम पोर्ट, एंटी पोर्ट एंड यूनिपोर्ट। देखिए सम कैरियर प्रोटीन, देखिए अभी तक हम कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे थे कि अलाउ करती है डिफ्यूजन को, वो क्या करती है डिफ्यूजन को अलाउ करती है ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, मतलब टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे आर फॉलोइंग टाइप, देखिए जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये जो मैं बनाई है, ये जो पूरी बनाई है, ये क्या है, अगर मैं इसको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट, इसको क्या किया है, इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मान लिया गया है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए इसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इन ट्रांसफर प्रोटीन से ही तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए यहां से ये ट्रांसपोर्ट किया, ये ट्रांसफर किया, तो इसको, इस वाली जो मूवमेंट होती है उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और वहीं एंटीपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स तो होते हैं बट उनका क्या होता है कि ट्रांसफर होता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये देखिए आप, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटीपोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स का क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा, वो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और सिम्पोर्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, किसका ट्रांसपोर्ट होगा, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, सेम डायरेक्शन में, किसमें, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। वहीं अगर मैं यूनिपोर्ट की बात कर लूँ तो यूनिपोर्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रीली, मॉलिक्यूल्स का कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ खत्म हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में।